अरे जब हमने बात किए तो हम कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। तो सिंगल रेशन भी हमने स्टार्ट नहीं किया, हम कर रहे हैं कि कैसे हमने उसको कैलकुलेट करना है। आप सिंगल रेशन के साथ प्रोविजन लिख लीजिए, प्रोविजन लिख लीजिए। सेक्शन 5 जब हम सिंगल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं उसमें कवर होगा सेक्शन 5 क्लॉज 5, रीड विद सेक्शन 11, सेक्शन 18B। ये सारे प्रोविजन सिंगल रिलेशनशिप में कवर। तो जब हमने देखना है वेदर मैरिज बिटवीन टू पर्सन वो वैलिड है या नहीं है, हम कुछ बेसिक चीजें फॉलो करते हैं। ये कहीं वेयर एक्ट में नहीं लिखी हुई पर हमने मेथोडोलॉजी डिवेलप किया हुआ है। मेथोडोलॉजी आपके वेयर एक्ट में मेंशन है और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। क्लियर है प्लीज। सबसे पहले सपोज ये दो लोग हैं ए और बी, ए हस्बैंड है और बी वाइफ है, इन दोनों की मैरिज हुई है। हमने देखना है कि ये वैलिड है या नहीं है। आपको ऐसे नहीं दिया होता, आपको रिलेशनशिप में दिया होता है बी को हम देख रहे हैं, बी कौन है, मैटरनल अंकल्स डॉटर। जो बी है बी मैटरनल अंकल्स डॉटर है, बी मैटरनल अंकल्स डॉटर है। सबसे पहला है जो भी रिलेशन आपको दिया हुआ है जो कि इस केस में मैटरनल अंकल डॉटर है, हम इस नाम के साथ डिग्रीज काउंट नहीं कर सकते। सबसे पहला स्टेप है क्योंकि हम कहते हैं स्पिंदा में ब्लड रिलेशन है ना, कॉमन एंसेस्टर हमें निकालना होता है। तो पहला रूल है हमें इन रिलेशन इस रिलेशनशिप को चेंज करना पड़ेगा यूजिंग 4 रिलेशंस जो है मदर फादर सन डॉटर। इस रिलेशनशिप को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग 4 रिलेशन जो है मदर फादर सन डॉटर। अब मैटरनल अंकल को हम क्या कहते हैं, मैटरनल अंकल डॉटर्स कौन होगी, मामा की डॉटर है ना। अब मैटरनल अंकल तो अब जो हमने यहां पर लिखा मैटरनल अंकल्स डॉटर, डी तो यहां पे ठीक है पर इस मैटरनल अंकल की कोई जगह नहीं है क्योंकि हमने 4 रिलेशनशिप कौन है, मदर फादर सन या डॉटर, MFSD में चेंज करना है। मैटरनल अंकल को हम क्या लिख सकते हैं, क्या फादर होता है मैटरनल अंकल को, डॉटर का नहीं। मैटरनल अंकल को हमने तो ए से देखना है ना कैसे रिलेटेड है, क्या मदर मदर सन मदर्स मदर्स सन, बिल्कुल ठीक है बेटा। अब मैटरनल अंकल कौन है, मदर्स ब्रदर डॉटर। अब यहां पर मदर का एम आ गया, डी का डी तो ऐसे ही आ गया क्योंकि हमारे यहां पर हम फादर के थ्रू रिलेशन ट्रेस करते हैं तो ब्रदर की जगह पर लिखेंगे हम एफ एस। इसका मतलब जो वाइफ है वो एच टी कौन है, एम एफ एस डी, यानी मदर्स फादर्स सन डॉटर। तो ये आ गया एम एफ एस डी। ये सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक स्टेप है, इसके बिना आप कैलकुलेट बाकी सारा प्रोसीजर इजी है, ये ही सबसे बड़ी। यस अभी आप इसको छोड़ दीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए। हाँ जी, जब हमने इसमें लिखा अभी आप उसको छोड़ दीजिए,
अब फॉर एग्जाम्पल हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल. हमने कहा है स्पिंडल रिलेशनशिप में हमें फोर रिलेशंस का यूज करना है और वो है मदर, फादर, सन, डॉटर. जिसके साथ भी आपने मैरिज की वैलिडिटी देखनी है वो हमें मदर, फादर, सन, डॉटर में चेंज करना पड़ेगा. अब हम कह रहे हैं राम मैरिड हिज सिस्टर. अब सिस्टर की तो जगह है नहीं, पर रिलेशनशिप हम किससे ट्रेस कर रहे हैं, फादर से. तो राम की जो राम की सिस्टर है वो कौन है, उसके हाँ यस. अब हमें सिस्टर नहीं यूज करना, इसकी जगह हम यूज करेंगे फादर्स डॉटर. फादर्स डॉटर, क्लियर है प्लीज. उसके बाद हम कह रहे हैं राम ने मैरिज की है विद मैटरनल आंट्स डॉटर. राम ने मैरिज की विद मैटरनल आंट्स डॉटर. कौन है मैटरनल आंट? मदर्स मासी. मैटरनल आंट मासी, पैटर्नल आंट मासा बुआ बुआ. मैटरनल आंट मासी, पैटर्नल आंट बुआ. अगर आपको यहां लिखा हो आपने किसी ने मामी बोला था ना मामी. अगर लिखा हुआ है राम मैरिड मामीज डॉटर. स्पिंदा रिलेशनशिप में ब्लड रिलेशनशिप निकालना बहुत जरूरी है. तो अगर उसकी मामी की डॉटर है तो वो उसके मामे की भी तो डॉटर है. तो हमने वो रिलेशन लिखना है जिससे हम ब्लड रिलेशनशिप को ट्रेस कर सकते हैं. तो जब हमने कहा मैटरनल आंट्स डॉटर, मैटरनल आंट कौन है? अरे मौसी छोड़ो, इंग्लिश बोलो ना. मैटरनल आंट को हम क्या बोलेंगे? मदर्स सिस्टर्स डॉटर. तो डॉटर का तो एज इट इज ये आ गया एम डी, मदर का एम आ गया, सिस्टर फिर से क्या लिखेंगे? यस. तो वो क्या आएगा? एम एफ एस डी. ठीक है प्लीज. ओ सॉरी सॉरी यस डी. मदर, फादर्स, डॉटर्स, डॉटर. तो जो भी कोई आपको रिलेशनशिप दिए आपको वो चार रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना मैंडेटरी है. अगर आपने ये स्टेप ठीक कर लिया आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, बिकॉज आगे के स्टेप इजी हैं. सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप को चेंज करना. अब फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं नेक्स्ट हमने लिया राम मैरिड मदर ब्रदर सिस्टर्स डॉटर. मदर्स ब्रदर्स सिस्टर्स डॉटर. कौन है ये आंटी? राम के लिए कौन है ये लड़की? मासी की लड़की. अब यहां पर ब्रदर सिस्टर में कंफ्यूज मत होइए. जो मदर के ब्रदर की सिस्टर है वो मदर की भी तो सिस्टर है. तो आपको प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा कि रिलेशनशिप कैसे उसे वो ट्रेस कर रहे हैं. तो जब हमने कहा ब्रदर सिस्टर, इसका मतलब सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है. रियलिटी में तो यही है मदर्स सिस्टर्स डॉटर. और फिर से सिस्टर की जगह पर हम क्या यूज करेंगे? सिस्टर की जगह पर आएगा फादर्स डॉटर डॉटर.
ठीक है प्लीज यस फादर बिकॉज बेटा हमारे यहाँ पर बच्चा अपने फादर का कास्ट फॉलो करता है फादर का कास्ट नहीं फादर से नाम लेता है हमारे यहाँ पर पेटर्निटी इम्पोर्टेंट है मेटर्निटी नहीं है क्यों अगर मेटर्निटी इतनी इम्पोर्टेंट होती तो वंशज जो वंश कहते हैं ना वंश हम कहते कि लड़का आगे बढ़ाता है कहते हैं ना अभी भी एक्सेप्टेड है वंश लड़का आगे बढ़ाता है क्यों क्योंकि हर आदमी हम लड़की के बच्चों को प्यार तो कर सकते हैं बट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन आर वंश रीजन क्योंकि बच्चा पेट्रियार्कल सोसाइटी है बच्चा जो ट्रेस करता है नाम वो अपने फादर से करता है सिर्फ यूट्रिन को छोड़ दो जहां पर यूट्रिन लिखा हुआ है वो अलग बात है अदरवाइज अब अभी हमने क्योंकि इतना डिटेल में अभी किया नहीं है इसकी हम कॉम्प्लिसिटीज बाद में करेंगे इसलिए बेटा कहीं पर भी जब हमने ट्रेस करना है अगर ऐसा ना होता तो स्पिंदा रिलेशनशिप की डेफिनेशन में दे वुड नॉट हैव यूज द टर्म कॉमन लिनियल एंसेस्टर तो वो मेल फीमेल अगर दोनों ही अलाउड होते पर हम ये मानते हैं कि जो कॉमन एंसेस्टर है हमेशा मेल ही आएगा इसलिए ठीक है प्लीज हाँ जी यहां तक बेटा आपको किसी को डाउट है तो पूछिए ये इंपॉर्टेंट है आप में से किसी ने कुछ पूछना है तो अभी पूछिए ये इंपॉर्टेंट है आपने कोई डाउट पूछना है अरे ऑनलाइन में से किसी ने कोई डाउट पूछना है नो मैम मदर्स मदर्स सिस्टर्स मदर्स मदर्स ब्रदर्स डॉटर हुई उसको कैसे करेंगे ओके आपने बोला मदर्स मदर्स आगे क्या बेटा ब्रदर्स डॉटर डॉटर मदर्स मदर्स ब्रदर्स डॉटर अब डॉटर की तो हम छेड़ नहीं रहे डॉटर तो ऑलरेडी डी है ही अब हमने कहा मदर्स 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 ब्रदर्स डॉटर सबसे पहले जो मदर का ब्रदर है वो उसके इस मदर के फादर का सन भी तो है ना इसमें और कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा मदर्स मदर्स फादर सन डॉटर हो गया सौरभ ठीक है प्लीज और क्या चेंज होगा ब्रदर की जगह पर फादर सन हो गया ना बस हमने क्या करा हमें मदर्स मदर कौन आएगी नानी फिर नानी का ब्रदर है तो उसके पड़ नाना का लड़का भी तो हुआ ना आगे मदर के फादर का तो वो हमने फिर मदर्स मदर्स फादर सन्स डॉटर कुछ पूछने बेटा पूछ अभी कुछ पूछने अदरवाइज क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में सबसे पहला स्टेप ये होता है और अगर इसी पे ही आप अटक गए आगे तो आप फिर तब तक तो दिल ही छोड़ देता है आदमी पेपर में कि छोड़ दो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ठीक है प्लीज लिखिए लिखिए द टर्म स्पिंदा रिलेशनशिप हेडिंग डालिए डेफिनेशन ऑफ स्पिंदा रिलेशनशिप अंडर सेक्शन 3F, 3F है ना तो हम डेफिनेशन को एज इट इज पढ़े हमें कुछ उसमें समझ नहीं आता तो हमने इसके 9-10 पॉइंट्स को ब्रेक किया हुआ है कि वो कैसे अप्लाई करेगा इसका हमने फर्स्ट पॉइंट अभी किया है फर्स्ट लिखिए रिलेशन शुड बी एक्सप्रेस्ड using only four relations using only four relations that is mother comma father comma son comma daughter mother ke saath m likh dena father ke saath f son ke saath s aur daughter ke saath d mother father son daughter
ये अंडरलाइन कर दीजिए, ये सबसे बेसिक स्टेप है। इसके आगे लिख लीजिए, इफ एनी अदर रिलेशन इज मेंशन, इफ एनी अदर रिलेशन इज मेंशन देन इट हैज टू बी कन्वर्टेड, इट हैज टू बी कन्वर्टेड by using, it has to be converted by using above mentioned relations. इसका मतलब एम एफ एस डी में हमें वो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल पेटर्नल अंकल, हाँ जी कौन होगा पेटर्नल अंकल? हम कह रहे हैं राखी ने अपने पेटर्नल अंकल से शादी कर ली। कौन है पेटर्नल अंकल? चाचू। चाचा ताया तो लिख नहीं सकते। कौन है पेटर्नल अंकल? फादर, ब्रदर। फिर ब्रदर भी नहीं लिख सकते, मतलब हमारे दादा का बेटा भी तो हुआ ना। यस, इसको हम कन्वर्ट करेंगे एफ एफ एस। तो पेटर्नल अंकल साथ में एरो लगाकर लिख लीजिए एफ एफ एस। क्लियर है ना? यस। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, एग्जाम्पल्स हम एक तो कर रहे हैं। मैटरनल अंकल्स डॉटर, मैटरनल अंकल्स डॉटर। हाँ जी बोल बेटा, क्या होगा मैटरनल अंकल्स डॉटर? मैटरनल अंकल कौन है? मदर, ब्रदर, डॉटर। पर ब्रदर हम यूज नहीं कर सकते, तो मदर के फादर का लड़का भी तो है ना, तो एम एफ एस डी। ठीक है प्लीज, एम एफ एस डी। ये बेसिक स्टेप है, सबसे बेसिक स्टेप है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर हेलो। यस बोलो सुल्तान, बोलो बेटा। मैम ये अभी स्टार्ट हुआ, मैं एक बार बोलो। बस अभी स्टार्ट हुआ बेटा, आप जो अभी है ना अभी उसको ध्यान से सुनो, बस जो अभी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है प्लीज। यस, उसके बाद की मैम जब हमने कहा है कॉमन एंसेस्टर हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है? कॉमन एंसेस्टर निकालने से पहले जो स्टेप है वो क्या है? जब हम बात कर रहे हैं बेटा, इस कंसेप्ट को हम सक्सेशन में डिटेल में करेंगे। जब हमने बात की, क्या लिखा भी आपने सेकंड पॉइंट को, इसको आप स्टार्ट कीजिए। इन ऑर्डर टू फाइंड कॉमन एंसेस्टर, इन ऑर्डर टू फाइंड कॉमन एंसेस्टर we have to trace, we have to trace the relation between जो persons concerned है, between the persons concerned, husband और wife की बात कर रहे हैं, through ascendants and descendants, ascendants and descendants। Second point है, अब हमें देखना है कौन ascendants हैं और कौन descendants हैं। यहां पर हमने दो terms को use किया, ascendants और second है descendants। असेंडेंट्स कौन होते हैं? अगर आप लॉ छोड़ दीजिए, मैथ्स में अगर हम असेंडिंग नंबर लिखते हैं तो क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो इसका मतलब असेंडेंट, हम अपने पूर्वजों की बात कर रहे हैं, हमारे इमीडिएट असेंडेंट कौन होते हैं? नहीं तो मदर भी तो है ना, फादर और मदर। जब हमने असेंडेंट की बात की, इमीडिएट असेंडेंट आए फादर और मदर। फिर आगे
दादा दादी नाना नाना फादर्स फादर फादर्स मदर यहां से आया मदर्स मदर मदर्स फादर उसके ऊपर और आगे ऐड करते रहो इसकी कोई लिमिट नहीं है सबके आगे आगे फिर इसके आगे आगे इसके आगे सबके आगे दो दो आते रहेंगे एंड इट विल गो अप टू इंफिनिटी तो हम कभी भी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं बना सकते असेंडेंट्स की हमने सिर्फ हमें इमीडिएट असेंडेंट ही पता है हमारे खुद के माता पिता और इसमें जब हमने बात की पर एक चीज हमने निकाला इस सारी डायग्राम से कि असेंडेंट्स में सिर्फ दो ही रिलेशन का यूज हो रहा है जो हमने चार कहा है ना कि रिलेशन इसमें एक्सप्रेस होना चाहिए उसमें से सिर्फ दो रिलेशन ही असेंडेंट्स में यूज हो रहे हैं कौन से फादर और मदर इसका मतलब असेंडेंट्स में सिर्फ दो ही रिलेशन होंगे चाहे मल्टीपल हो सकते हैं फादर फादर्स मदर फादर फादर मदर मदर फादर तो पर होंगे सिर्फ दो ही मदर और फादर उसके बाद जब हम डिसेंडेंट्स की बात करते हैं डिसेंडेंट्स होते हैं मैथ्स में बड़े से छोटा तो हम अपनी आने वाली जनरेशन की बात कर रहे हैं इमीडिएट डिसेंडेंट कौन होंगे सन और डॉटर ये यहां पर इंपॉर्टेंट है जब हमने असेंडेंट को कहना है फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं पीज ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर कौन है फादर्स फादर तो जब हमने असेंडेंट्स की बात की है जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे असेंडेंट्स विल ऑलवेज गो इन अपवर्ड्स डायरेक्शन क्योंकि हमसे पहले आ चुके हैं तो ये हमेशा अपवर्ड्स डायरेक्शन में जाएंगे क्लियर है प्लीज असेंडेंट्स हमेशा अपवर्ड्स देखिए बेटा डायग्राम में भी ये सारे जो एरोज हैं ये सारे अपवर्ड्स हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना तो जब हमने डायग्राम में असेंडेंट्स को ड्रॉ करना है वो हमेशा अपवर्ड्स डायरेक्शन में ड्रॉ होंगे ठीक है प्लीज उसके बाद हमने जब डिसेंडेंट्स की बात की आप लोगों ने ही बताया कि इमीडिएट डिसेंडेंट सन एंड डॉटर उसके बाद उसके बाद ये भी कोई इसमें वो नहीं है इट विल गो अप टू इंफिनिटी तो इमीडिएट डिसेंडेंट कौन है सन एंड डॉटर तो जब हमने डिसेंडेंट्स को ड्रॉ किया दे आर ड्रॉन इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जाएंगे ये लिख लीजिए जो भी आपको अपनी भाषा समझ आती है वो आप लिख जैसे सेंटर में बात की पी पी के ऊपर फादर उसके फादर फादर फिर ऊपर ऐसे लिखेंगे पीएफ या पीएफएफ नहीं क्यों हमने तो पी को क्यों हमने आगे लेकर जाना हमने तो जो इसके बाद है इसके बाद हम वो कॉन्टिन्यूस लिखेंगे क्योंकि रिलेशन एंड तक जाएगा ये बेटा सक्सेशन का बेसिस होता है जिसको हम सक्सेशन में बहुत डिटेल में करते हैं क्योंकि सक्सेशन में चाहे आपके क्लास वन हेयर्स हो चाहे क्लास टू हैं चाहे एग्नेट्स हैं चाहे कॉग्नेट्स हैं सभी में इस कंसेप्ट का यूज होगा तो यहाँ पर हम सिर्फ उसका बेसिक कर रहे हैं जितना हमारा स्पिंदर रिलेशनशिप के लिए रेलिवेंट है ठीक है प्लीज इसको अब आप ब्रीफ में लिख लीजिए ब्रीफ में लिख लीजिए डायग्राम तो आप यहीं से बोर्ड से ड्रॉ कर लेना इसका क्रक्स लिख लीजिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ascendants ascendants means our forefathers or our forefathers or ancestors ascendants means our forefathers
or ancestors. The immediate ascendants, the immediate ascendants are mother and father. Exhaustive list of ascendants is not possible, as it will go kahan tak jayega, up to infinity. Ascendants all always represented in upwards direction. ये underline कर लेना. Ascendants are always represented in upwards direction. उसके बाद है descendants. Descendants could be expressed by using two relations only. अंजी कौन से हैं वो? S and D. क्योंकि son और daughter चाहे वो नीचे जहां तक मर्जी जाता रहेगा, पर होगा तो यही दोनों use, S and D. Descendants are future generation the immediate descendants are son and daughter. वो ही बात रिपीट होती है. एग्जॉस्टिव लिस्ट पॉसिबल नहीं है, एज इट विल गो अप टू इंफिनिटी. जो अब लाइन लिखेंगे उसको अंडरलाइन कर लेना. डिसेंडेंट्स ऑल आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन. डिसेंडेंट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन. Descendants are always represented in downwards direction. ठीक है प्लीज. यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए. ये इंपॉर्टेंट है. कुछ पूछते हैं? क्लियर है? थर्ड लिखिए. थर्ड पॉइंट है, कॉमन एंसेस्टर हैज टू बी फाउंड आउट. कॉमन एंसेस्टर हैज टू बी फाउंड आउट. और कॉमन एंसेस्टर कौन होगा? इसमें आप लिख लीजिए, The highest ascendant in the relationship would be the common ancestor. अंडरलाइन कर लीजिए, हाईएस्ट असेंडेंट. फॉर एग्जाम्पल बेटा, जो पहले क्वेश्चन में किए हैं उसमें रिलेशन बताओ कौन सा कन्वर्ट किए. चलो छोड़ो, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं. हाँ जी, जब हमने कहा कॉमन एंसेस्टर फाइंड आउट कर रहे,
जब हमने बात की कॉमन एंसेस्टर फाइंड आउट करना है, अब फॉर एग्जाम्पल हमने देखना है वेदर पी इज मैरिड विद एम एफ 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 एस एस डी इज वैलिड और नॉट, कहां तक असेंडेंट्स हैं, कौन इसमें असेंडेंट्स हैं। अरे तो क्लियर ही है, अरे असेंडेंट M F F F S S, ये भी असेंडेंट है, ये भी, ये भी, ये भी, ये लोग तो असेंडेंट्स है और ये लोग डिसेंडेंट्स। ऐसे तो मदर भी असेंडेंट है, मदर का फादर नाना भी असेंडेंट है, पढ़ नाना भी असेंडेंट है, पढ़ नाना भी असेंडेंट है। हाईएस्ट असेंडेंट कौन? यस, ये हमारा टोटल, ये हाईएस्ट असेंडेंट है। अब रूल क्या है, हमने कहा है असेंडेंट अपवर्ड्स डिग्री में जाएंगे, तो हमने पी की मैरिज की वैलिडिटी इस डी के साथ देखनी है, ठीक है ना। तो जब हमने ड्रॉ किया पी, पी के बाद हर एक एरो पे हम एक लेंगे एम एफ, जब तक असेंडेंट्स हैं ये अपवर्ड्स डायरेक्शन में जाएंगे एम एफ एफ एफ, हाईएस्ट असेंडेंट आ गया। जब ये हाईएस्ट असेंडेंट आ जाएगा उसके बाद कौन होंगे? डिसेंडेंट्स। डिसेंडेंट्स फिर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जाएंगे, इसके बाद क्या होगा एम ट्रिपल एफ एस एम ट्रिपल एफ एस एस, और उसके बाद एम ट्रिपल एफ एस एस डी। ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बनना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बनना चाहिए। इसमें हम फिर लॉजिक अप्लाई करेंगे, इसमें हम लॉजिक अप्लाई करेंगे। यस, ये अब इसमें क्या है, असेंडेंट्स गए अपवर्ड्स और डिसेंडेंट हुए डाउनवर्ड्स। ये आपका थर्ड पॉइंट था ना बेटा? कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए। पूछने बेटा तूने कुछ पूछने आपने बेटा तूने कुछ पूछने तो अभी पूछ ले। हाँ जी, उसके बाद फोर्थ हाँ जी, हमने कहा असें, अब ये कौन है, ये लड़का है और डी लड़की है जिसकी मैरिज की वैलिडिटी हमने देखनी है। चाहे हमने असेंडेंट्स को अपवर्ड लेकर गए और डिसेंडेंट्स को डाउनवर्ड्स लेके गए, पर जब काउंटिंग होनी है, जो हम कहते हैं तीन फ्रॉम मदर साइड एंड फाइव फ्रॉम फादर साइड, इट हैज टू बी इन अपवर्ड्स डायरेक्शन फ्रॉम बॉय एंड द गर्ल कंसर्न। जब हमने स्पिंडर रिलेशनशिप के लिए काउंट करना है तो दोनों को ही हमने अपवर्ड्स डायरेक्शन में काउंट करना है कॉमन एंसेस्टर तक। लड़की को भी हमने अपवर्ड्स डायरेक्शन में ही काउंट करना है कॉमन एंसेस्टर तक। क्लियर है प्लीज? ये लिखिए फोर्थ, फोर्थ लिखिए। काउंटिंग हैज टू बी
इन अपवर्ड्स डायरेक्शन फ्रॉम द पर्सन कंसर्न दैट इज girl or boy up to common ancestor. अब जैसे हमने डायग्राम बनाया, यहां देखिए पहाड़ की तरह बने। अब हमने दोनों तरफ से ऊपर जाना है अप टू कॉमन एंसेस्टर, दोनों तरफ से काउंट करेंगे और कहां तक काउंट करेंगे, अप टू कॉमन एंसेस्टर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बोथ बॉय एंड गर्ल, जिस लड़का लड़की की शादी की बात कर रहे हैं उनको हमने नंबर वन काउंट करना है। क्लियर है? जो यहां पर पी है और यहां पर डी है उनको हमने नंबर वन काउंट करना है। इसमें लिखिए बोथ बॉय एंड गर्ल इन क्वेश्चन हैज टू बी काउंटेड एज फर्स्ट इन देयर रिस्पेक्टिव डायरेक्शन। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि लड़का लड़की को हमने वन डालना है, तो पी भी वन डलेगा और डी भी वन डलेगा, पर काउंट करना कहां तक है और कितना है वो नेक्स्ट लिखिए सिक्स पॉइंट लिखिए वन कैन नॉट मैरी 5 degrees फ्रॉम फादर साइड एंड 3 degrees फ्रॉम मदर साइड 5 degrees फ्रॉम फादर साइड एंड 3 degrees फ्रॉम मदर साइड। इसके नीचे एबीसीडी आएंगे, सब रूल्स लिखिए। ए, सेक्स ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड इज इमटीरियल, सेक्स ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड इज इमटीरियल। इसका मतलब है, अब अगर आप डायग्राम में देखें, डायग्राम में जब हमने देखा तो ये जो डी है ये खुद डॉटर है, जो डी है वो डॉटर है, पर वो किससे अपना रिलेशन ले रही है, इसका इमीडिएट एंसेस्टर कौन है? फादर मदर नहीं, ये सन, इसका सन थोड़ी ना है वो, ये वाला जो एस है ये डी का कौन है? फादर। यस, आपको बोर्ड विजिबल नहीं हो रहा है। सो उधर शिफ्ट हो जाओ। अरे पर कुछ नहीं, आप इसको नीचे देख रहे हो, आपको विजिबल है बेटा, चाहे इसको नीचे, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जी, जब हमने इसको किया, अब जो ये हमें देखने में ऐसे लग रहा है, अब इसको अभी आप हमें पर छोड़ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपने लड़के को रिप्रेजेंट करना है और अपने फादर को भी करना है, तो वो क्या होगा?
एफ मेरे फादर हैं, मैं उनकी डॉटर हूं और ये एस मेरा बेटा है, ठीक है। माई सेल्फ, माई सन एंड माई फादर। अब ये है तो डी, चाहे हम इसको डिसेंडेंट्स में काउंट कर रहे हैं डायग्राम के लिए, पर ये एस की कौन है? मदर। तो कभी भी आप यहां पर कंफ्यूज मत होइए, यहां पर है तो डी, डी तो इमटीरियल है, हमने ये लिखा है सेक्स ऑफ द पर्सन कंसर्न इज इमटीरियल। हमने देखने हैं कि उसके इमीजिएट पहले कौन है, मदर या फादर। तो डी से इमीजिएट पहले कौन है? फादर है ना, डी का ये फादर है। और पी से इमीजिएट पहले कौन है? मदर। हमने मदर के लिए तो काउंट करना है 3 degrees तक, और फादर के केस में काउंट करना है 5 degrees तक। और जब हमने डिग्रीज को काउंट करना है, हमने कहा है लड़का और लड़की को हमने 1 number देना है। तो हमने दोनों पी को और डी को 1 number दे दिया, ठीक है। अब रिपीट करो मेरे क्या लिख सकते हैं। One cannot marry 5 degrees from father side and 3 degrees from mother side. A. Yes. Of the person concerned is immaterial. बिल्कुल ठीक है। As we have to see, sex of the person concerned is immaterial. As we have to see. Ma'am. Yes, बोलिए। मैम ये किस कहां से लिख रहे हैं? अब हमने ए पॉइंट लिखा था, सेक्स ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड इज इमटेरियल, उसके बाद बी पॉइंट। नहीं बेटा, बी नहीं है, ए ही कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं सेक्स लड़का लड़की होने से फर्क नहीं पड़ता, हमने तो ये देखना है उनका इमीडिएट एंसेस्टर कौन है। क्लियर है प्लीज। हमने कहा है सेक्स ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड, कि दो लोगों की मैरिज की वैलिडिटी हमने देखनी है, दैट इज इमटेरियल। एज वी हैव टू सी the immediate ancestor, as we have to see the immediate ancestor preceding him or her, preceding him or her, b likhiye। If immediate ancestor is male, male को हम क्या कह रहे हैं? Father, that is father, then 5 degrees have to be counted, 5 degrees have to be counted फुल स्टॉप। वाइल काउंटिंग किसको हमने नंबर वन देना है? जो पर्सन कंसर्न्ड है। वाइल काउंटिंग द पर्सन कंसर्न्ड हैज टू बी काउंटेड एज फर्स्ट एंड it will be counted up to common ancestor। कहां तक गिनती करनी है? common ancestor तक। जैसे start हम यहां p से करेंगे, पर जाएगी वो ऊपर m triple f तक। clear है? c लिखिए। c, if immediate ancestor is female, कौन है वो फीमेल? दैट इज मदर। देन 3 degrees हैव टू बी काउंटेड, देन 3 degrees हैव टू बी काउंटेड वेयर पर्सन कंसर्न
will be counted as first and it will go up to common ancestor and it will go up to common ancestor. मैम प्लीज ये वाली लाइन रिपीट कर दीजिए. कहाँ से रिपीट करने शिफाली आप बोलना बेटा. Three degrees has to be counted where person concerned. Where person concerned, जो लड़का लड़की है इसमें P और D है, has to be counted as first and it will be counted up to common ancestor. इसका मतलब P और D की वैलिडिटी काउंट करने के लिए हमें इस तरफ से काउंट करना पड़ेगा, इसको इस तरफ से काउंट करना पड़ेगा और सिर्फ कहां तक काउंट करने कॉमन एंसेस्टर तक. क्लियर है? ये अभी एबीसी हुआ है ना. डी लिखकर एक पेज छोड़ दो. डी लिखकर एक पेज छोड़ दो. मैम यस बोलिए. मैम एक बार ये काउंट करने वाला एग्जांपल दोबारा से समझा दो प्लीज. अब बेटा अभी हम इसमें करेंगे. जब हमने अब काउंट करने की बात बोली तो काउंट करने की बात कैसे अप्लाई करेगी. अब यहां पर हमने कहा जो पी है, पी अपना रिलेशन मदर से ट्रेस कर रही है, तो मदर से है तो हमने थ्री डिग्रीज काउंट करने हैं. वन टू थ्री, यहीं पर काउंटिंग खत्म होगी कॉमन एंसेस्टर तक तो पहुंचा ही नहीं. जब हमने कहा डी अपना रिलेशन फादर से ट्रेस कर रही है तो हमने फाइव काउंट करने हैं. वन टू थ्री फोर, फाइव की जरूरत ही नहीं पड़ी, कॉमन एंसेस्टर फोर तक ही आ गया. पर यहां पर क्या है, एक कॉमन एंसेस्टर तक पहुंच रहा है, दूसरा नहीं पहुंच रहा. मैरिज विल बी अ वैलिड मैरिज. उन मैरिजेस को हम वॉइड कहते हैं जहां तक थ्री या फाइव कॉमन एंसेस्टर तक पहुंच जाए. अच्छा, अगर पहुंच जाए तो तब वो वॉइड है. इसका मतलब दोनों बहुत क्लोजली ब्लड रिलेटेड है. कॉमन पूर्वज जुड़ा हुआ है जो दोनों क्लोजली ब्लड रिलेटेड है. मतलब फाइव तक जो है वो मतलब मैच नहीं होना चाहिए. फाइव तक कॉमन एंसेस्टर नहीं आना चाहिए. फाइव या थ्री, डिपेंडिंग अपॉन आप किससे अपना रिलेशन ट्रेस कर रहे हैं. मैम जैसे हम बात करते हैं कॉमन एंसेस्टर ढूंढना है, अगर प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो हम जैसे पर्सन है उसके मदर और फादर दोनों की साइड से भी चेक करेंगे. क्यों बेटा, वो तो रिलेशनशिप में दिया होगा ना. अगर फॉर एग्जाम्पल मेटरनल अंकल पेटरनल अंकल अगर आपको नहीं दिया होगा तो हम फादर ही प्रिज्यूम करते हैं. अगर पेपर वाला चाहता है कि आप मदर की तरफ से करें उसमें वो लिखेगा, क्योंकि नॉर्मली हम यहाँ पर रिलेशन हमेशा फादर. फॉर एग्जांपल अगर आपको ब्रदर दिया हुआ है तो आप हमेशा फादर सन लिखोगे, पर अगर आपको वो चाहता है कि मदर से ट्रेस करो तो वो खाली ब्रदर नहीं लिखेगा, वो लिखेगा यूट्रिन ब्रदर. तो अगर यूट्रिन आ गया तो रिलेशन मदर से ट्रेस होगा, मदर सन. तो अभी हमने कंसेप्ट किया नहीं है इसलिए हम इसको यहां यूज नहीं कर रहे. कुछ पूछने आपने यहां तक, कुछ पूछने. नेक्स्ट एक पेज छोड़ देना डी के लिए, क्योंकि अभी हम बेसिक रूल कर रहे हैं. डी में एक्सेप्शन है जो हमारे बेयर एक्ट में नहीं दिया गया. इट हैज बीन recognized as a judicial exception और जिसको force of law भी मिल चुका है. क्यों? Yes, बोल. मैं P का तो समझ आ गया. जैसे आपने पहले upwards देखे फिर downwards है, पर दोनों में upwards देखना. मतलब वो तो हमने बेटा diagram draw करने के लिए की है कि क्योंकि blood relationship trace करना है. blood relationship में तो ascendants भी होंगे और descendants भी होंगे. तो descendants हमेशा downwards जाते हैं, ascendants हमेशा upwards जाते हैं. जैसे अब आपने वहाँ पे 3 degree 4 degree बना दिया ना daughter की side से, पर अगर हम daughter की side से देखें first तो daughter बनेगी ना. Yes, yes. ऐसे तो नहीं चलेगा.
क्यों हमने डॉटर को ही फर्स्ट चलाया फर्स्ट डॉटर फिर डॉटर्स फादर ऐसे आएंगे अभी डॉटर की साइड से ऊपर देख रहे हैं तो वो तो अपने आप ही आएंगे ना डायग्राम ठीक बना हुआ है वो तो अपने आप अगर आपका डायग्राम सिस्टमैटिक है तो ऑब्वियस है जो यहाँ पर एस है ये वाला वो डॉटर का फादर ही तो है हम तो हर डिग्री पे ये जनरेशन ले रहे हैं ना तो फिर वो चीज को तो ऑब्वियसली डायग्राम में हमने सिंक्रोनाइज्ड मैनर में तो ड्रॉ की है अब और क्लियरली अपना क्वेश्चन पूछो नहीं मैम मुझे डॉटर वाली साइड से थोड़ा समझ नहीं आया जैसे हमने क्योंकि अगर जैसे पर्सन की साइड से एक बार डॉटर की साइड से आप ट्रू डायग्राम बना दो हाँ बेटा क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन बेटा हो गए नेक्स्ट देखिए पॉइंट एक पेज छोड़कर लिखना कौन सा नंबर था मॉडी है नहीं सिक्स था ना सेवेंथ लिखिए नहीं डी के लिए तो पेज छोड़ दो डी में तो प्रिंसिपल अलग हो जाएगा जिसमें थ्री और फाइव का रूल अप्लाई नहीं करेगा तो हम उसमें करेंगे क्यों नहीं करता या क्यों इस एक्सेप्शन को बाद में ये बनाया सेवन लिखिए If both boy and girl, both को मार्क कर लेना दोनों का कॉमन एंसेस्टर तक पहुंचना जरूरी है If both boy and girl, if both boy and girl fall within prescribed degrees, as mentioned, कि अगर मदर है तो थ्री काउंट करना अगर इमीडिएट एंसेस्टर फादर है तो फाइव काउंट करना As mentioned, while counting upwards from the boy and girl concerned, up to common ancestor then they are spindas and their marriage is void iska abc likhi A common ancestor should be falling within prescribed degrees from each of them चाहे लड़के की तरफ से काउंट करो चाहे लड़की की तरफ से नंबर कॉमन एंसेस्टर तक पहुंचना जरूरी है नेक्स्ट लिखिए बी इफ वन इज फॉलिंग विद इन प्रिस्क्राइब डिग्रीज एंड अदर इज नॉट then their marriage is valid see if both are not falling then marriage will be perfectly valid then marriage would be perfectly valid methodology clear because ab hum question kar rahe hain ab aap karenge clear hai hum questions kar rahe hain questions iske baad mein yes bolo beta ma'am one is falling ka kaise hoga example जैसे इस केस में है सौरभ अब इस केस में जो जब हमने लड़की की तरफ से काउंट किया
तो वो फॉल कर रहा है कॉमन एंसेस्टर तक, पर लड़के की तरफ से नहीं कर रहा, तो मैरिज वैलिड है। तो जो आपके बोर्ड पे एग्जांपल आपको शो हो रहा है ये उसी केस का है, वेयर वन इज फॉलिंग बट अदर इज नॉट। ठीक है प्लीज। ओके मैम। यस, क्वेश्चन लिखिए। मैम अगर दोनों लीनी जो होंगी वो फादर की तरफ से हैं, जैसे यहाँ पे दोनों से फाइव काउंट करेंगे, एक एक के थ्रू फाइव में पहुंच जाता है और दूसरे के थ्रू नहीं पहुंचता तो वैलिड होगी, राइट? वैलिड है, मैरिज वैलिड है। ठीक है प्लीज। यस मैम। यस, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, बेटा आपको मैं डायरेक्ट रिलेशन दे रही हूं ताकि पहले तो मेथड क्लियर होना चाहिए। करो बेटा, हमने टेस्ट करनी है पी इज मैरिड विद एम डबल एफ एस एस डी। ये तीन क्वेश्चन है बेटा, ये तीनों सॉल्व। I'm done. Okay, बस एक मिनट बेटा, एक मिनट। वैसे नहीं हो रहा ना अभी, clear नहीं हो रहा ना मतलब सब सर। Okay. इसको भी सीखो।
अभी आ गया ना कॉमन एंसेस्ट्री आ गया, इसके बाद इसके नीचे वाले व्यक्ति, ये नीचे वाले व्यक्ति, और फिर मतलब एक और आ जाएगा, फिर ये देख इसका इमीडिएट मदर है तो यहाँ से थ्री काउंट करना है, इसका देखियो इमीडिएट फादर है या मदर है, फिर उसको ऐसे काउंट कर, अगर मदर हो गया मदर है खत्म हो गया, इसका इसकी भी मदर ही है, नहीं ये कौन सा नहीं है, इसकी भी मदर ही है, दोनों का फादर भी हो सकता है, दोनों की मदर भी हो सकती है, एक का फादर और एक की मदर भी हो सकती है, तो ये कोई बोले कि एक फादर होना चाहिए एक मदर होनी चाहिए, अब इसमें हमने देखा दोनों मदर ही है तो हमने फिर थ्री डिग्री से काउंट करना, वो यहाँ से मतलब है वो हमें देखना पड़ेगा उससे पहले कौन, इससे पहले और इससे पहले, अब यहाँ पे इसे नहीं पता चल जाएगा डी से पहले डी है ना, इस तरह की डॉटर है इसकी तो मदर है, अगर यहाँ पे सन होता तो फिर फाइव फाइव। नेक्स्ट कर यही बैठ जा आगे मैम, दो वैलिड है एक वॉइड है, हमने वन करना है, फिर कैसे काउंट करोगे जो फिर आप कह रहे हो ना, फिर उसमें कंफ्यूजन क्यों होगी आपको, अगर नीचे से ऊपर जाओगे ना हमें विजिबल है कॉमन एंसेस्टर तक है, फिर यहाँ पर आपको ना ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ तक काउंट करने हैं, तो क्यों उसमें पढ़ रहे हो, आपने तो सिर्फ कॉमन एंसेस्टर तक काउंट करना है ना, तो आपने फिर आपको फिर यहाँ तक काउंट करना है, अब ये ट्रिपल एफ आ गया ना बेटा, अब नीचे जाएगा, अब डिसेंडेंट्स आ गए ना इसके, यहाँ एफ 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 से ही आ गया नीचे, एफ 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 से ऊपर की दिख रहा है, एफ 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 से तोड़ दे, मैम दो वैलिड है एक वॉइड है, अच्छा एक बार मैं देखती हूँ बेटा, बस एक एक ही कैरेक्टर है, ट्रिपल एफ एस फादर, ये कॉमन एंसेस्टर को ले लो ना, तीन है ना, एफ 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 है ना, ये आ गया ना कॉमन एंसेस्टर, तो एफ 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 एस मतलब अब ये आना शुरू हो गया, मदर मदर अगर सर फादर को ट्रिपल एफ नहीं है कॉमन एंसेस्टर, ऊपर वाला तो पूरा ही को जैसे आपके फादर आपके दादाजी के तो सन है, फादर सन सन, अब आप उनके सन हो पर आप अपने फादर के आप बीच में हमने सन लिखा है, तो आपके लिए तो फादर है ना, यहाँ हमने सन डॉटर, इस सन की डॉटर है, तो ये वाला एस डी का कौन है, फादर हुआ ना, तो हमने फिर फाइव काउंट करने काउंट कर दे बार में, यहाँ पे तो फादर क्यों लिखना है सन, डॉटर ही तो है आपके,
ठीक है ना, वन आगे कर, टू ऊपर काउंट कर लेना। ये कॉमन एंसेस्टर तक करना है, लगा फोर, दोनों में हमने कॉमन एंसेस्टर तक काउंट करना है, तो यहाँ तक फोर। हाँ अब देख यहाँ पे भी कौन है ना, यानी पर्सन कंसर्न को वन लगाना है, कॉमन एंसेस्टर तक लगाना है। हाँ तो दोनों की विदिन प्राइम डिग्री कॉल कर रही है, वैसे तो फाइव तक होना चाहिए पर फाइव की जरूरत ही नहीं पड़ी, फोर में सन है तो यहां से ही फाइव होना चाहिए साइड, अगर फादर है तो फादर है। हां दोनों तरफ से फाइव, अगर मदर की साइड से तो फिर थ्री। हां अगर एक नहीं, जरूरी नहीं है कि दोनों ही फादर है दोनों ही मदर है, हमने देखा है अगर मदर है तो थ्री, अगर यहां पे भी मदर होती डॉटर्स डॉटर होता, ये भी एक भी डॉटर्स तो यहाँ पर अगर दोनों तरफ से मदर हो तो थ्री, अगर दोनों तरफ से फादर है फाइव, अगर एक फादर है एक मदर तो मदर थ्री फादर फाइव, पर काउंटिंग कॉमन एंसेस्टर करनी होगी। ठीक है, हो गया बेटा? हाँ जी, जब हमने इसको किया, इसमें जब हम डायग्राम बनाएंगे, पी को हमने ट्रेस किया अपवर्ड्स, फिर डाउनवर्ड्स आ गया जब हमने डिसेंडेंट्स की बात की, हमने इस डी की और इस पी की मैरिज की वैलिडिटी देखनी है, काउंटिंग होगी अप टू कॉमन एंसेस्टर, इन दोनों को हमने वन लेना है, मेन हमने देखना है डी करना है फाइव करना है, दोनों में डी करने हैं दोनों में फाइव करना है। इसका हमने देखा पी के इमीडिएट मदर है तो थ्री डिग्रीज काउंट करना है, पर दोनों ही अपवर्ड्स डायरेक्शन में जाएंगे इसमें भी हमें कोई डाउट नहीं है, और कॉमन एंसेस्टर तक काउंटिंग होगी, तो यहां पर हमने पी को लिखा वन, यहां टू, यहां थ्री, तो जो पी है पी तो विद इन प्रिस्क्राइब डिग्रीज फॉल नहीं कर रही। फिर हमने डी का देखा, डी रिलेशन अपनी मदर से ट्रेस कर रही है, हमें इसमें भी थ्री ही काउंट करने है, पर्सन कंसर्न को हमने वन देने है, टू थ्री, यहां पर भी नंबर पहले ही खत्म हो गया, इसका मतलब बोथ द पर्सन दे आर नॉट फॉलिंग विद इन प्रिस्क्राइब्ड डिग्रीज, तो उनकी मैरिज वैलिड है, उनकी मैरिज वैलिड है। फिर जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, हमने रिलेशन ट्रेस किया पी एफ डबल एफ ट्रिपल एफ, ये कॉमन एंसेस्टर आ गया जो कि हाईएस्ट असेंडेंट है, उसके बाद डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब जो पी है पी रिलेशन ट्रेस कर रहा है अपने फादर से, फाइव डिग्रीज काउंट होने हैं, वन टू थ्री फोर, कॉमन एंसेस्टर फोर में ही आ गया, फाइव की जरूरत हमें नहीं पड़ी। इन द सेम मैनर डी रिलेशन ट्रेस कर रही है अपने फादर से, फाइव काउंट करने हैं, वन टू थ्री फोर, फोर में ही आ गया, फाइव की हमें जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, इसका मतलब मैरिज वॉइड, बोथ गर्ल एंड बॉय दे आर फॉलिंग विद इन प्रिस्क्राइब्ड डिग्रीज अप टू कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर विद इन प्रिस्क्राइब्ड डिग्रीज फॉल करेक्ट व्हिच ऑफ देम their marriage will be void. फिर हमने ये देखा P M M M M M F, ये common ancestor आ गया, यहां से हमने downwards ले गए, यहां पर हमने देखा
पी किससे ट्रेस कर रहा है? अपनी मदर से. थ्री काउंट करने हैं, वन टू थ्री. कॉमन एंसेस्टर से पहले ही नंबर खत्म हो गया. यही से हमें पता चलता है उनकी मैरिज वॉइड है, पर पेपर में आप इतना नहीं छोड़ सकते, हमें रीजनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी. उसके बाद डी अपनी मदर से कर रही है, थ्री ही काउंट होगा, वन टू थ्री. इसका भी नंबर यहीं पर खत्म हो गया, कॉमन एंसेस्टर तक कोई नहीं पहुंच रहा, दोनों की मैरिज क्या होगी? वैलिड. क्लियर है प्लीज? क्लियर है? अब अपना निकालिए डेफिनेशन क्लॉज थ्री एक्ट. मैम एक बार सेकंड वाला फादर वाला बताना, जो जो डी सन वाला सेकंड वाला. मैम कौन सा बेटा? एफ फादर वाला बता दो मैम, फादर वाला, फादर वाला एफ 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 एस एस डी वाला सेकंड नंबर. अच्छा ये कह रहे हो एफ 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 एस एस डी. यस मैम. यस मैम. पी अपना रिलेशन एफ से ट्रेस कर रहा है, फादर है, तो हमने कहा वन टू थ्री फोर. कॉमन एंसेस्टर तक फोर आप पहुंच गया, फाइव की जरूरत ही नहीं पड़ी. फिर हमने देखा डॉटर भी अपना रिलेशन फादर से ट्रेस कर रही है, वन टू थ्री फोर, दोनों ही फोर में कॉमन एंसेस्टर तक पहुंच गए, फाइव की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इनकी मैरिज तो बिल्कुल ही वॉइड है. ठीक है? ठीक है बेटा. यस सौरभ रीड कर बेटा, थ्री एफ रीड करो. थ्री एफ रीड करना. यस मैम. Spinda relationship with reference to any person extends as far as third generation inclusive in the line of ascent through the mother and fifth inclusive in the line of ascent through the father. The line being traced upward in each case from the person connected, a person concerned who is to be counted as the first generation. Yes. Saurabh, fir se count kar beta. थोड़ा धीरे काउंट बोलना, काउंट का सॉरी, थोड़ा धीरे बोलो, फिर से रीड करना. स्पिंडा रिलेशनशिप विद रेफरेंस टू एनी पर्सन एक्सटेंड्स एज फार एज द थर्ड जनरेशन इंक्लूसिव. अब लगाइए थर्ड जनरेशन इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू मदर. हमने भी यही कहा है थ्री डिग्रीज फ्रॉम मदर साइड. आगे सेकंड लगाइए, फिफ्थ इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू फादर. हमने भी ये बोला है फाइव काउंट करना है फ्रॉम द मदर साइड. थर्ड लाइन बीइंग ट्रेस्ड अपवर्ड्स इन ईच केस, चाहे हम असेंडेंट्स को अपवर्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं, डिसेंडेंट्स को डाउनवर्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं, पर जब हमने काउंट करना है दोनों के दोनों अपवर्ड्स में ही जाएंगे. कहां तक? कॉमन एंसेस्टर तक. फोर्थ लिखिए, फोर्थ From the person concerned, लड़का लड़की की बात कर रहे हैं जिनकी शादी की वैलिडिटी देखनी है, who is to be counted as the first generation. तो ये जो लड़का लड़की है उनको हम वन नंबर डालेंगे. आगे रीड कर बेटा, सेकेंड रीड करना. Two persons are said to be spindas of each other if one is a lineal ascendant of the other within the limits of spinda relationship or if they have और डेफिनेशन है ये, इसको हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाते बिकॉज इसमें पैरामीटर प्रोवाइडेड नहीं है. हमने जो मेथड फॉलो किया है वो और के बाद वाला है, और के बाद वाला हमने मेथडोलॉजी को फॉलो किया है जिसमें लिखा हुआ है इफ दे हैव अ कॉमन लिनियल असेंडेंट. हमने कॉमन लिनियल असेंडेंट को निकाला जिसको हम कॉमन एंसेस्टर कह रहे हैं, हु इज विदिन लिमिट्स ऑफ स्पिंडा रिलेशनशिप थ्री या फाइव जब हमने काउंट करना है. अंडरलाइन कर दीजिए विद रेफरेंस टू ईच ऑफ देम, विद रेफरेंस टू ईच ऑफ देम. ठीक है प्लीज बेटा. नीचे ना एक्सप्लेनेशन है, क्लॉज डी के बाद एक्सप्लेनेशन है, वो रीड कर बेटा, वो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है.
इसका ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा। तो आप सौरभ इसको रीड कर बेटा, क्लॉज एफ को एक्सप्लेनेशन को रीड करना। For the purpose of clause F and G, relationship includes first relationship by half or uterine blood as well as by full blood, second illegitimate blood relationship as well as legitimate, third relationship by adoption as well as by blood. Yes, and yes, sirf yahi tak hi. Yes, aage read karte beta, read karte all and all. And all terms of relationship in those clauses shall be construed accordingly. बेटा आप इसमें लिख लीजिए कौन से अभी point eighth ninth कौन से eighth explanation to section 3 explanation to section 3 explanation to section 3 has widened the spinda relationship as it has included the following relationship in it. First relationship by half comma full or uterine blood. Half और full के साथ लगा दीजिए 3C और uterine के साथ लगा लीजिए 3D. फुल के आगे आप लिख लीजिए सेम फादर सेम मदर। अगर बच्चों के सेम फादर और सेम मदर है दे आर रिलेटेड बाय फुल ब्लड। हाफ ब्लड के आगे लिख लीजिए सेम फादर डिफरेंट मदर, सेम फादर डिफरेंट मदर। और यूट्रिन ब्लड के आगे लिख लीजिए सेम मदर डिफरेंट फादर, सेम मदर डिफरेंट फादर। अगर अब आपसे कहा जाए, आपको पेपर में अगर दिया हुआ है कि जो राम है उसने मैरिज की है विद यूट्रिन ब्रदर्स सन्स डॉटर, क्या रिलेशन बनेगा? यूट्रिन हमेशा मदर के थ्रू ही होता है। यूट्रिन ब्रदर सन्स डॉटर क्या होगा? मदर सन, मदर सन। यूट्रिन ब्रदर, यूट्रिन बिल्कुल ठीक है बेटा, यूट्रिन ब्रदर्स सन्स डॉटर। तो जो यूट्रिन ब्रदर है इसका मतलब हमने फादर फादर नहीं मदर्स फादर का हमें जाना पड़ेगा। क्लियर है प्लीज? यहाँ पर फिर यस, इसलिए यूट्रिन फुल और हाफ तीनों ही रिलेशनशिप कवर होंगे, वो हमें देखना पड़ेगा कि क्या रिलेशनशिप बनेगा। अगर हम कह रहे हैं नहीं क्लियर हो, ओके बेटा, अगर आपको दिया हुआ है सिर्फ ब्रदर, आप क्या यूज कर रहे हो ब्रदर की जगह पर? फादर सन। अगर आपको दिया हुआ है यूट्रिन ब्रदर, अब आप यूट्रिन ब्रदर में क्या काउंट करोगे? मदर सन। तो जहां पर भी यूट्रिन आ जाता है यूट्रिन ब्रदर मदर सन नहीं होगा बेटा, फादर तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपसे बोला था यूट्रिन ब्रदर सन्स डॉटर, तो ब्रदर की वजह से हमें जाना पड़ा था। यूट्रिन ब्रदर कौन होगा?
मदर्स फादर्स सन, मदर तो उसकी माँ है, अब मदर का जो ब्रदर है वो उसके फादर का भी तो सन है, तब हमने इसे उसमें मदर फादर सन डाला था। अगर यूट्रिन ब्रदर है फिर तो मदर सन ही आ जाएगा। ब्रदर और यूट्रिन ब्रदर में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इतना है जो ब्रदर है वो तो फादर के थ्रू हम ट्रेस कर रहे हैं, यूट्रिन ब्रदर में मदर के थ्रू करेंगे। कॉमन एंसेस्टर नहीं है। हाँ कॉमन एंसेस्टर उसमें नहीं है, उसमें मदर है, फीमेल से हम ट्रेस करने वाले। हाँ जी पहला बोलो, मैंने पहले आपसे बोला कि जो पी है, पी ने मैरिज कर ली विद यूट्रिन सिस्टर, एक फर्क बात हुई है। और दूसरा मैंने कहा पी ने मैरिज करी विद यूट्रिन ब्रदर्स सन्स डॉटर, ठीक है। अब हमने कहा अगर यूट्रिन ना होता, खाली सिस्टर होती, हमने लिखना था फादर्स डॉटर। अब यूट्रिन सिस्टर आने से सिर्फ फर्क क्या बनेगा, वो कंसीडर की जाएगी मदर्स डॉटर, क्योंकि पी और बी के बीच में जब हमने ब्लड रिलेशनशिप लेनी है तो मदर कॉमन है, फादर डिफरेंट है, यूट्रिन का ये मतलब है, तो कोई कॉमन ब्लड रिलेशनशिप फादर से नहीं आएगा, इसलिए हमने कहा मदर्स डॉटर। जब आप यूट्रिन का एक्सप्लेन करते हो, यूट्रिन मदर बोलेंगे ना, मदर से हम मदर, फिर मदर सिस्टर अपनी पी की मॉम की बहन हुई, मदर सिस्टर बेटा हमने कहा है। यस इसमें बोलो, बेटा यूट्रिन सिस्टर कोई मदर मदर की बात थोड़ी ना कर रहे हैं हम, इसकी कह रहे हैं पी की, पी ने शादी अपनी यूट्रिन सिस्टर से की है, मतलब एक तरह स्टेप सिस्टर हो। हाँ हाँ यस हाँ, आप इसकी कोई तोड़ रहे हैं आगे, आप इसको मत तोड़िए, हम तो इस आदमी की बात कर रहे हैं ना, इसने शादी किससे की है, यूट्रिन ब्रदर सन्स डॉटर। अब जो पी है, पहले तो हमें देखना पड़ेगा यूट्रिन ब्रदर कौन है, ये तो सन डॉटर वैसे ही रहेंगे, मदर सन। यस तो यूट्रिन ब्रदर है मदर सन, अगर ये यूट्रिन ना होता यहां पर आना था फादर सन, क्योंकि अगर हाफ ब्लड फुल सॉरी अगर यूट्रिन ब्लड कुछ नहीं मेंशन है तो हम फुल ब्लड भी कंसीडर करते हैं और उसमें फादर के थ्रू ही रिलेशन ट्रेस होते हैं। मैम Yes. Excuse me, ma'am. बोल बेटा। ma'am, अब जैसे स्पिंडा निकालना है तो जो हम पी की लीनियज निकालेंगे वो हम थ्रू क्या कहते हैं एफ निकालना शुरू करेंगे, एम निकालना शुरू करेंगे। बेटा वो तो जब अब इसका अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, अगर ये यूट्रिन है, यूट्रिन को हम कह रहे हैं कि यूट्रिन यहाँ पर है तो रिलेशनशिप होगा एम एस एस बी, ये रिलेशनशिप है, तो जब हमने डायग्राम बनाया लॉजिक वही रहेगा, सबसे कॉमन कॉमन एंसेस्टर कौन है इसमें, मदर ही है, तो फिर मदर से डाउनवर्ड्स जाएंगे एम एस एम एस एस एम एस एस बी, तो लॉजिक तो वही रहेगा। अब ये इमीडिएट ट्रेस कर रहा है मदर से ही है, तो वन टू ये इमीडिएट ट्रेस कर रही है फादर से, वन टू थ्री फोर, क्लियर। वो हम डेफिनेशन में इसलिए नहीं मेंशन करते क्योंकि यूट्रिन वाले रिलेशनशिप बहुत ज्यादा कम होते हैं हमारे इंडिया में, बहुत एक्सेप्शनल स्टेट्स हैं जो मैट्रियार्कल हो, अदरवाइज हर जगह जो बच्चा ट्रेस करते हैं अपनी लिनेज दैट इज थ्रू फादर, ठीक है प्लीज प्लीज, ठीक है प्लीज। अगर हम इसमें एक और ऐड कर देते यूट्रिन ब्रदर्स, इसको भी नहीं छोड़ते फिर वो ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा,
उसको हम आगे फिर एग्जाम्पल्स में करेंगे जैसे जैसे आएगा. ठीक है प्लीज. सौरभ आपने कुछ और पूछना है? नो मैम. यस हाँ हाँ बेटा बॉयड है. बॉयड है मैंने. यस अगर हाफ या यूट्रिन नहीं दी होगा सब हम फुल लेते. अगर हाफ आ जाता हाफ ब्रदर तब भी हमने फादर साइड ले. प्रॉब्लम वहां आएगी जहां पर यूट्रिन होगा, वहां में फिर स्पेशल मदर को वहां पर मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है प्लीज. सेकंड लिखिए. अभी क्या लिखा है एक बार रीड करना मालूम क्या लिखा. यस मैंने आपको बताया था ना फुल में सेम फादर सेम मदर, हाफ में सेम फादर डिफरेंट मदर और यूट्रिन में सेम मदर डिफरेंट फादर. बेटा ये आपके क्योंकि क्लॉजेस के भी कई बार आदत है इसमें सी डी रेफर करो. सी और डी. सौरभ क्लॉज सी रीड करना. थ्री सी फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड. यस मैम. Full blood and half blood. Two persons are said to be related to each other by full blood when they are descended from a common ancestor by the same wife and by. Underline karo. Full blood descended from a common ancestor by the same wife. Full blood ko underline karo. ये आपकी क्योंकि आपको बेयर एक्ट की फ्रिजोलॉजी से आप अवेयर होना चाहिए. पेपर में आपको ऐसा ही ऑप्शन आने के चांसेस रहते हैं अगर आपको दिया हुआ है डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ. उसके बाद दिया हुआ है डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ्स. जैसे आपसे पूछा हुआ है हाफ ब्लड मीन्स कॉमन एंसेस्टर बाय सेम वाइफ डिसेंडेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ, तो आपको पता होना चाहिए. तो उसका मतलब तो वही बनता है. तो हमने फुल ब्लड में कहा कॉमन एंसेस्टर बाय सेम वाइफ, हाफ ब्लड में कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ. इसका मतलब सेम फादर डिफरेंट मदर. बेटा यूट्रिन ब्लड को रीड करना. सौरभ यूट्रिन ब्लड को रीड करना प्लीज. हाँ जी यूट्रिन ब्लड में मेंशन है टू पर्संस आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय यूट्रिन ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेड. इसको अंडरलाइन कर लीजिए. फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रस बट बाय डिफरेंट हस्बैंड. एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है. एंसेस्टर में फादर है, एंसेस्ट्रेस मतलब मदर है. यह आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. एंसेस्टर फादर है, एंसेस्ट्रेस मदर. ठीक है प्लीज. यस उसके आगे लिखिए बी. सेकंड आपने एट के आगे लिखा था ना फॉलोइंग, उसमें पहला था ये. सेकंड लिखिए लेजिटिमेट एज वेल एज इनलेजिटिमेट रिलेशनशिप इज कवर्ड. लेजिटिमेट एज वेल एज इनलेजिटिमेट रिलेशनशिप इज कवर्ड. मैम सेकंड पॉइंट रिपीट करना. लेजिटिमेट एज वेल एज इनलेजिटिमेट रिलेशनशिप इज कवर्ड. थर्ड रिलेशनशिप बाय ब्लड एज वेल एज बाय अडॉप्शन. रिलेशनशिप बाय ब्लड एज वेल एज बाय अडॉप्शन. रिलेशनशिप बाय ब्लड एज वेल एज बाय अडॉप्शन. ये तो हमारा 3F था. 3F था. इसके नीचे लिख लीजिए द फ्रेज स्पिन द रिलेशनशिप हैज बीन डिफाइंड इन 3F. एंड condition pertaining to spin the relationship for a valid marriage is included in
सेक्शन 5 क्लॉज 5, सभी हिंदू मैरिज एक्ट की हम बात कर रहे हैं, सेक्शन 5 क्लॉज 5 विच प्रोवाइड्स, हाँ जी डबल इनवर्टेड कॉमर्स लगा देना, बाद में आप एज इट इज बेयर एक्ट की लैंग्वेज आपने लिखनी है तो वो आप लिख देना, प्लीज आप उसको रेफर करो 5 क्लॉज 5 को, 5 क्लॉज 5 को 5 बी को रेफर करें. द पार्टीज आर नॉट सबिंदास ऑफ ईच अदर अनलेस द कस्टम और यूजेज गवर्निंग ईच ऑफ देम, अंडरलाइन करने से पहले बेयर एक्ट में अनलेस के ऊपर लिख लीजिए एक्सेप्शन, एक्सेप्शन एक्सेप्शन गवर्निंग ईच ऑफ देम को अंडरलाइन कर लीजिए. ये आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन है. ईच ऑफ देम का मतलब है कि जो कस्टम है वो दोनों की कम्युनिटी में प्रिवेल करनी चाहिए, लड़का और लड़की की. अगर एक की करती है एक में नहीं करती वो मैरिज वॉइड ही रहेगी. क्लियर है? इसमें जब आप लिखेंगे उसमें नोटबुक में डबल इनवर्टेड कॉमास डाल दीजिए. आपने वहां पर कंडीशन लिखनी है उसके आगे लिखिए स्टॉप के बाद. By reading this condition, it could be made out that one cannot marry that person, चाहे male or female दोनों को ही cover कर रहे हैं. One cannot marry that person who is falling within spinda relationship. Who is falling within spinda relationship? But an exception is recognized in clause 5 itself. 5 क्लॉज 5 की बात कर रहे हैं. इन 5 क्लॉज 5 इटसेल्फ दैट इज इफ देयर इज एनी कस्टम और यूजेज विच इज प्रिवेलिंग इन बोथ बॉय साइड as well as girl side, then the marriage would be valid under customary law. किसके ऊपर होगा burden of proof? Parties थोड़ी ना. The party claiming की custom exist करता है. Claim कर रही है कि हमारा marriage valid है. But the burden of proving the custom would be upon that party who is alleging it. फॉर एग्जाम्पल खत्रीज में क्लोज रिलेशनशिप में शादी कर देते हैं मासी की लड़की से एंड ऑल मैरिज हो गई. बाद में लड़का लड़की के बीच में डिस्प्यूट हो गया. मैरिज किससे हुई है? मासी की डॉटर से. जो कौन है? मदर्स फादर्स डॉटर डॉटर MFDD होगी. अब जो मैरिज है दैट विल बी वॉइड एज पर स्टैट्यूटरी लॉ. तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया और वाइफ ने जुडिशियल सेपरेशन के साथ मेंटेनेंस मांगा. हस्बैंड वहां पर प्लीड कर रहा है मैरिज को हमारी वैलिडिटी नहीं है. जब मैरिज ही नहीं है तो मैट्रिमोनियल रिलीफ किस बात का? अब दूसरी पार्टी कहेगी नहीं, चाहे लॉ के हिसाब से वैलिड नहीं है पर कस्टम के हिसाब से वैलिड है. कस्टम के जहां पर भी प्लीड होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो पार्टी कस्टम को अलेज करेगी उसे उसको प्रूव करना पड़ेगा. एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव कस्टम क्योंकि कस्टम के पैरामीटर्स ऐसे हैं जो हमें नेक्ड आई से भी विजिबल नहीं है. मोरालिटी रीजनेबिलिटी
इनके कोई डायरेक्ट पैरामीटर्स नहीं है। क्यों? एक चीज एक टाइम पर रीजनेबल है, वही किस विद पैसेज ऑफ टाइम क्या हो जाएगी, अनरीजनेबल। पर्दा टाइम एक टाइम पर रीजनेबल था, वही क्या हो गया, अनरीजनेबल। लड़कियों को प्रॉपर्टी से डिप्राइव करना रीजनेबल था। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि एक फैमिली की प्रॉपर्टी दूसरी फैमिली में जाएगी, और इसलिए स्त्री धन का प्रोविजन हमारे लॉ ने बनाया कि लड़की को शादी के टाइम ही पेरेंट्स अपनी इतनी प्रॉपर्टी दे देते थे कि उसके मन में गिला शिकवा न रहे कि उसे प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलेगा। बट विद पैसेज ऑफ टाइम जेंडर इक्वालिटी का जब भी ऐसा फिनोमिना आया कि उसने उस नोशन को चेंज कर दिया, स्त्री धन जो मर्जी दो प्रॉपर्टी में भी बराबर का हिस्सा देना पड़ेगा, वो हमें अनरीजनेबल लगने लगा। पहले बच्चा फादर के नाम से स्कूलों में एडमिशन लेता था, अभी हर जगह चेंज हो चुके हैं कि मदर का भी बराबर का राइट है, फादर का, फादर मदर का, तो अब फादर के साथ साथ हर जगह मदर का भी नाम लिखा जाता है। तो ये चेंजिंग नोशंस हैं। तो जब हमने कहा है कि जिस पार्टी को कस्टम प्रूफ करनी पड़ेगी उसे अपने लॉ के मुताबिक कस्टम को प्रूफ करेगा, तो 3A के अंडर जाएगा। 3A निकालिए, 3A निकालिए, सौरव देख करना बेटा 3A। The expression custom and usage signify any rule which have been having been continuously. First, continuously. Second, uniformly observed for a long time. Time ही नहीं लिखा clear. पहले अगर आप jurisprudence में पढ़ते थे custom को, जब आप पढ़ेंगे वहां पर है beyond human memory. कि जो जीते हुए लोग हैं उन्हें भी नहीं याद कि कब से शुरू हुआ है। बियॉन्ड टाइम इमेमोरियल की बात होती है, ये क्या, इसका कोई लॉजिक नहीं है, आप कैसे कोर्ट में प्रूफ करोगे, क्लियर है। थर्ड, हैज ऑब्टेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ, कस्टम को इतनी देर से फॉलो किया जा रहा है दैट इट हैज बिकम द फोर्स ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल, हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हिंदू फेस्टिवल्स, जैसे दिवाली पे लक्ष्मी पूजा शायद हर हिंदू करता है, उससे लक्ष्मी आती है, तो वो कहीं नहीं लिखा लॉ में, करो ना करो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर लोग इसका मुहूर्त निकलवाते हैं कि टाइम से ही हो जाए, तो वो लक्ष्मी पूजा नाउ इट हैज बिकम एन एक्सेप्टेड नोशन ऑफ द सोसाइटी। फोर्थ मार्क कीजिए, सर्टेन। फिफ्थ, नॉट अनरीजनेबल। सिक्स्थ, नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, not opposed to public policy। ये आपके 6 parameters है custom के, ये prelims के लिए भी important है, ये सारे आपको पता होने चाहिए कि अगर valid custom prove करनी है तो कौन कौन से parameters को prove करना पड़ेगा। even आपको mains में custom से related, आपको customary law से आ जाता है question relating to custom, तो वहां पर भी जब आप conclude करें आपको कंक्लूड करना चाहिए विद योर कोडिफाइड लॉ जिसमें कस्टम को डिफाइन किया गया है, बिकॉज जितने भी पैरामीटर्स हैं वहीं से लिए हुए हैं जो हमारे कस्टमरी लॉ में प्रिवेल करते थे। ठीक है, प्लीज क्लियर है, प्लीज। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं आपने? यस मैम। यस बोलो शिफाली। मैम जैसे हमने एक पॉइंट लिखा लेजिटिमेट एज वेल एज इललेजिटिमेट रिलेशनशिप इज कवर्ड, तो मैम जब हम इलेजिटिमेट रिलेशन ट्रेस करेंगे तो मैम ये कैसे ट्रेस करेंगे? बेटा जब हम इलेजिटिमेसी को हम बात कर रहे हैं तो इलेजिटिमेट का मतलब है कि मदर का कोई आउटसाइड अफेयर था जिससे वो बच्चा पैदा हुआ है, तो इलेजिटिमेट हम उस बच्चे को कहते हैं जो कि बॉर्न हुआ है आउटसाइड वेडलॉक, आउटसाइड वेडलॉक। अब वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल राकेश और रीमा जो कि लिव इन रिलेशनशिप में है और एक बच्चा वहां से बॉर्न हो चुका है लड़का, अब शादी उन्होंने कर ली आफ्टरवर्ड और उसके बाद उन्हें लड़की बॉर्न हो गई, अब दोनों क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर। तो हमने लेजिटिमेट एज वेल एज इललेजिटिमेट जो है वो कवर करेंगे हम इसमें, तो वो आपके रिलेशन टू रिलेशन पे डिपेंड करेगा कैसे इसमें कवर होगा। अगर हम ये लेंगे कि वाइफ का किसी और अफेयर से बच्चा है
और शादी किसी और से हो जाती है तो वो ऑलरेडी यूट्रिन ब्लड में फॉल कर जाएगा. सेम मदर डिफरेंट फादर. तो इनलेजिटिमेट कैसे, क्योंकि जिन जो बच्चे विदाउट प्रॉपर मैरिज बॉर्न हो रहे हैं उन्हें हम इनलेजिटिमेट कह रहे हैं. तो चाहे लेजिटिमेट रिलेशन है चाहे इनलेजिटिमेट रिलेशन है दोनों ही इसमें कवर होंगे. ठीक है प्लीज मैम, प्लीज इसका एक डायग्राम बनवा दीजिए थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. अब बेटा डायग्राम में इसमें कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि बात आपने की है इललेजिटिमेसी की. जब आप इललेजिटिमेसी की बात कर रहे हैं तो सक्सेशन में लिखा है कि बच्चा अपनी मदर से प्रॉपर्टी क्लेम करेगा. पर जब हम मैरिज की बात कर रहे हैं मैरिज में जब हमने कहा कि सेम हस्बैंड एंड वाइफ है वहां पर हम यूट्रेन रिलेशनशिप का कंसेप्ट क्यों अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ग्रेट वर्ड्स रिलेटेड. ठीक है तो वहां पर हम यूट्रेन रिलेशनशिप का कंसेप्ट यूट्रेन रिलेशनशिप का कंसेप्ट क्यों अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर तो ऑलरेडी जो सिचुएशन है वो हमारे एक्ट में दी हुई है, वो हमारे एक्ट में दी गई है. जब हम इललेजिटिमेट की बात कर रहे हैं इललेजिटिमेट का क्वेश्चन स्पिंडर रिलेशनशिप में वही है राइज होगा वेयर चाइल्ड इज बॉर्न आउटसाइड वेडलॉक और बाद में उनमें से उन्हीं की शादी हो जाती है. क्यों हम ये कह रहे हैं क्योंकि अगर ये केस होगा कि सपोज एग्जाम्पल वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल, जो रीम है, शी वाज हैविंग अफेयर विद राकेश, उससे बच्चा बॉर्न हो चुके है, अभी बच्चा इललेजिटिमेट है और बाद में जो उसने शादी कर ली विद राम उससे भी बच्चे बॉर्न हुए हैं. अब जो दोनों साइड के बच्चे हैं वो क्या है, सेम मदर डिफरेंट फादर. पर इस केस में वो सेम मदर तो है पर यहां पर क्या है वो बच्चा लेजिटिमेट नहीं है बिकॉज वो बच्चा मैरिज से बॉर्न नहीं हुआ. पर है तो वो रिलेटेड बाय ब्लड, ब्रदर सिस्टर तो है ही ना, क्योंकि चाहे वो दूर से रिलेटेड है दूर में फॉल करेंगे यूट्रिन ब्लड के रिलेशनशिप तो वो यूट्रिन ब्लड में मदर के थ्रू आएगा. अब यहां पर हम कह रहे हैं जो फादर है फादर ने रिलेशनशिप है विद सम अनदर लेडी वहां से बच्चा बॉर्न हो जाता है दे आर हैविंग. अगर दोनों की शादी हो जाती है बाद में तो वो पहले वाला बच्चा तो इललेजिटिमेट ही रहेगा पर कंसेप्चुअली वो फॉल करेंगे अंडर फुल ब्लड सेम फादर सेम मदर. क्योंकि आप देखिए फुल ब्लड और हाफ ब्लड में दे हैव रेफर्ड टू कॉमन एंसेस्टर या एंसेस्ट्रेस या सेम वाइफ या सेम हस्बैंड. वहां पर वाइफ और हस्बैंड का ये नहीं कहा कि उनकी मैरिज वैलिड हो या हो, मींस जो बच्चा बॉर्न हुए हैं दे आर फ्रॉम द सेम मदर और सेम फादर. इसलिए शिफाली अब पूछो अपना डाउट. यस मैम, मैम काफी हद तक क्लियर हो गया. जिसको आप इललेजिटिमेट कह रहे हैं तो इललेजिटिमेट हो सकता है वो फुल ब्लड में फॉल कर जाए क्योंकि इललेजिटिमेट हम उन बच्चों को कह रहे हैं जिनका शादी के बिना लॉफुल वेडिंग जो बॉर्न हुए हैं. आप कह रहे हैं इललेजिटिमेसी का रिलेशनशिप ट्रेस करो, मैं कह रही हूँ क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वो फादर से ट्रेस करेगा या मदर से, क्योंकि वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा. अगर जिनके बीच में रिलेशनशिप था विदाउट मैरिज बाद में उन दोनों की शादी हो जाती है और बच्चे हो जाते हैं तो सारे बच्चे दे आर रिलेटेड बाय फुल ब्लड पर पहले वाला इलेजिटिमेट है दूसरे वाले लेजिटिमेट है. तो यहाँ पर लेजिटिमेट एज वेल एज इलेजिटिमेट रिलेशनशिप दोनों ही कवर होंगे. ठीक है प्लीज. थर्ड यस मैम, थर्ड लिखिए थर्ड इट ऑल्सो कवर्स रिलेशनशिप बाय ब्लड एज वेल एज बाय एडॉप्शन. लिखवा दिया था क्या, लिखवा दिया था. ओके, उसके बाद तो हमने एक्सेप्शन भी कर दी है. लास्ट टाइम रीड करना मौली जो लिखी है. बट बर्डन ऑफ प्रूविंग द कस्टम वुड बी अपॉन द पार्टी व्हिच इज एलिजिबल. उसके बाद देखिए
नेक्स्ट पैराग्राफ जैसे कोई बच्चा है नहीं तो उन्होंने एडॉप्ट कर लिया, बाद में अपना भी बच्चा हो जाता है तो वो दोनों कवर होंगी, दोनों चाहे बाय ब्लड नहीं है बट बोथ वुड बी रिलेटेड बाय फुल ब्लड, सेम मदर सेम फादर। ठीक है प्लीज। यस। और बेटा ये अभी हमने किया नहीं है एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस। एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस में सेक्शन 12 है, इफेक्ट्स ऑफ एडॉप्शन में, जो बच्चा एडॉप्टेड है उसे मैरिज के पर्पसेस के लिए दो फैमिलीज में स्पिन और प्रोहिबिटेड देखने पड़ेंगे। आप ब्लड रिलेशनशिप को तो डिनाई नहीं कर सकते, जिस फैमिली में वो बॉर्न हुआ है वहां पर भी वो मैरिज नहीं कर सकता स्पिंदा या प्रोहिबिटेड में, जहां वो आया है वहां पर तो बॉर्न नहीं कर सकता बिकॉज उसके सारे रिलेशनशिप चेंज हो चुके हैं फ्रॉम द रिलेशनशिप, वहां से वो कट चुके हैं, सेवरेंस हो चुकी है, जहां वो आया है वहां उसकी टाइज बन चुकी है, तो ब्लड वाला तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। क्लियर है? लास्ट पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पैराग्राफ। इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5 क्लॉज 5, द कॉन्सिक्वेंस इज प्रोवाइडेड under section 11 where such marriages are declared to be a void marriage and either of the party could file petition for a declaration as to void marriage by decree of nullity unless and until their marriage falls under exception provided in कहां पर 5 clause 5 3 में नहीं है 5 में है provided under section 5 clause 5 next even penal consequences are also imposed provided under section 18b बेटा रेफर करो 18B। शिफाली 18B रीड करना, 18B रीड करना प्लीज। यस मैम। सेक्शन 18B। इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 4 और क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 5 को रेफर कर रहे हैं। यस आगे बेटा। With simple imprisonment, which may extend to 1 month. Simple imprisonment. ये आपके prelims का question है. Simple imprisonment. आगे. Which may extend to 1 month. आगे. Or with fine, which may extend to 1,000 rupees, or with both. Clear है? ये आपके prelims का question है. अपनी इसको लिख लीजिए. Register पे. Simple imprisonment. For 1 month or with fine, जो कि up to 1,000 rupees हो सकते हैं, or with both. SI for 1 month or fine up to 1,000 rupees or both. कि कोई भी इसमें impose हो सकते हैं.
SI for 1 month or with fine up to 1000 or both. इसके साथ हमारा स्पिन द रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं. किया तो हमने ग्राउंड्स ऑफ वॉइड मैरिज के अंडर है, पर हमने इस टॉपिक को जब डिस्कस किया हमने कंडीशन ऑफ वैलिड मैरिज का भी कवर कर लिया है. अब हम इसको क्लॉज 5 को डिस्कस नहीं करेंगे व्हाइल डूइंग कंडीशंस ऑफ अ वैलिड मैरिज, क्योंकि हमने सारा यहाँ पर कवर अप कर दिया. इवन सेक्शन 5 का क्लॉज 1 भी हम डिस्कस नहीं करेंगे. क्लॉज आई जो कि मोनोगैमी से डील करता है, वो हमने जब ग्राउंड्स ऑफ वॉइड मैरिज में बायगैमी किया वो हमने वहां पर एग्जॉस्टिव मैनर में कर चुके हैं. क्लियर है प्लीज? तो मंडे को वी विल स्टार्ट विद प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और इसी के साथ आपका सेक्शन 11 वाइंड अप हो जाएगा और फिर हम सेक्शन 12 को प्रोसीड करेंगे. उसके बाद आपका मेन रेमेडी है जो रह जाएगा, दैट जो इम्पोर्टेंट है सेक्शन 9, जुडिशियल सेपरेशन नहीं, सेक्शन 9 आरसीआर इम्पोर्टेंट है. रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसमें जजमेंट्स हैं जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए आपके मेंस के लिए भी और आपके प्रीलिम्स के लिए भी. ठीक है प्लीज, कोई डाउट पूछना है तो पूछिए. यस मैम. यस पूछो शिफाली. मैम जो सेक्शन 18 है मैम, इसमें पीनल कॉन्सिक्वेंसेस है, तो मैम इस पे सीपीसी अप्लाई होता है कि सीआरपीसी अप्लाई होता है? बेटा इसके लिए हमें कोई उसकी जरूरत नहीं है सीआरपीसी की, बिकॉज एक सिविल रॉन्ग की है जिसके लिए हमने उन्हें सिंपल इम्प्रिजनमेंट इम्पोज कर दी, तो यहाँ पर कोई सीआरपीसी की जरूरत नहीं है. जिस कोर्ट में आपका केस डल रहा है, फॉर एग्जाम्पल जब हम बात कर रहे हैं चाइल्ड मैरिज की, चाइल्ड मैरिज में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आ गया 2006 में. जब प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आया उससे सेक्शन 18 ए में भी उन्होंने चेंज कर दिया, पैरिटी पे ला दिया. अब जो प्रोविजन है वो सेम है, यहां पर तो सिंपल है वहां पर रिग्रेस है. तो कभी भी क्योंकि सिविल लॉ है, सिविल लॉ में अगर हमने कुछ इम्पोज की भी है हमें सीआरपीसी अप्लाई नहीं करेगा, बिकॉज सीआरपीसी आपका अप्लाई करेगा फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन. तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए कोई आपको क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ होना चाहिए, यहाँ पर वो नहीं है. हमने एक चीज जो कि लोग किसी ने अगर वो एक्ट किए जो कि डेटरेंट है टू द फाउंडेशन ऑफ मैरिज, हमने उसको पनिशेबल किया है. आपको अलग से सीआरपीसी में जाने की जरूरत नहीं है. क्यों? वो इसलिए अगर पार्लियामेंट का इंटेंशन होता कि क्रिमिनल लॉ अप्लाई करे तो जहां ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज का चैप्टर है आईपीसी में, वहां इसको वो जगह दे सकते थे. जब वो दूसरी पार्टीज को रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं, व्हाई पार्टीज देमसेल्व्स कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज, क्योंकि पीनल कोड तो आया 1860 में, हिंदू मैरिज एक्ट आया 1955 में. तो कभी भी जिस कोर्ट में केस है अगर मैरिज वॉइड होती है, नॉर्मली कोर्ट ये इम्पोज नहीं करती. किसी भी केस में जो मैंने रीड किया अभी तक किसी में भी उन्होंने इसको इन्वोक नहीं किया अगर मैरिज वॉइड भी है. बट यस आपके लिए इसको सेपरेट लिटिगेशन फाइल. फॉर एग्जाम्पल एडॉप्शन में आपका एक सेक्शन कहता है कि अगर किसी को प्रोसिक्यूट करना है तो आपको सेंक्शन लेनी पड़ेगी, सेंक्शन लेना पड़ेगा एप्रोप्रिएट अथॉरिटी का, उसके बाद आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं. तो सेंक्शनिंग का प्रोविजन तो सीआरपीसी में भी है पर हम उसको इन्वोक नहीं करेंगे. तो कभी भी आपके हिंदू मैरिज एक्ट के किसी भी प्रोविजन के लिए आपको सीआरपीसी अप्लाई नहीं करेगा. अगर लेजिस्लेचर चाहता इट वुड हैव क्रिएटेड अ सेपरेट ऑफेंस अंडर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज. ठीक है प्लीज. ठीक है शिफाली, हम लेक्चर वाइंड अप कर रहे हैं और हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं.